नमस्ते बच्चों, मैं रोशनी दुबे, आपकी अपनी शिक्षिका। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र के अध्याय 4 केंद्र की सरकार को पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों ने पहले राज्य सरकार के बारे में पढ़ा ही होगा और आप जानते भी हैं। तो अब हम जानेंगे केंद्र की सरकार क्या होती है। केंद्र की सरकार, बच्चों, हमारे भारत देश में राज्य सरकारों के अलावा एक और सरकार होती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपने राज्य सरकार के बारे में पढ़ा है, उसी तरीके से हमारे देश में एक और सरकार होती है जो पूरे देश के बहुत से मामले, जैसे कि रक्षा हो गया, डाकघर, बैंक, रेल सेवा आदि की देखरेख करती है और पूरे देश के लिए बहुत से विषयों पे कानून भी बनाती है। इसी सरकार को केंद्र की सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं। बच्चों, इस सरकार के जो कार्य हैं वो देश की राजधानी दिल्ली यहाँ से किए जाते हैं। इसलिए कई बार आम शब्दों में इस सरकार को दिल्ली वाली सरकार भी कहा जाता है। बच्चों, केंद्र की सरकार 3 सदनों से मिलकर के बनती है, जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका, जिसे संसद कहते हैं, कार्यपालिका, जिसका मुखिया राष्ट्रपति होता है, और न्यायपालिका, इसके अंतर्गत न्यायालय आते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम संसद के बारे में जानते हैं। पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा करती है, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति तथा ये दो जो सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, यह मिलकर के व्यवस्थापिका कहलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संसद। बच्चों, यह आप चित्र देख रहे हैं, यह संसद भवन का चित्र है जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। बच्चों, संसद के कार्य के बारे में हम जानते हैं। संसद का प्रमुख कार्य, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, कानून बनाना होता है। इसके अतिरिक्त संसद मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करती है, यानी कि जो मंत्रिमंडल कार्य किए होते हैं, उन्होंने क्या-क्या कार्य किया है, कैसे कार्य किया है, यह सब जानती है। उसके अतिरिक्त बच्चों, जो तीसरा कार्य है संसद का, वह है मंत्रिमंडल के कार्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, यानी कि वह मंत्रिमंडल से यह भी पूछती है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं किस प्रकार से किए हैं और सही किए हैं या नहीं किए हैं, इसको भी वो सुनिश्चित करती है। बच्चों, संसद में मैंने आपको बताया 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले मैं आपको इनमें कितने सदस्य होते हैं और वर्तमान में कितने सदस्य हैं, इनके बारे में बताती हूँ। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, जिसमें से 552 में से अधिकतम 55 चुने जा सकते हैं और जो 2 सदस्य रहते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। बच्चों, लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 543 अधिकतम चुने गए हैं और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हैं। बच्चों, जो 543 सदस्य हैं वो उनमें से राज्यों से 530 सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 13 सदस्य हैं। अब जानते हैं बच्चों राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। इसमें से अभी वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 245 में अधिकतम चुने गए हैं 233 और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। बच्चों,
जो अधिकतम चुने गए 233 सदस्य हैं, उनमें से राज्यों से 229 सदस्यों को चुना गया है और केंद्र शासित प्रदेश से 4 सदस्यों को चुना गया है। बच्चों, अब हम विस्तार से जानते हैं लोकसभा के बारे में। जिस प्रकार राज्यों को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसी प्रकार पूरे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों के विभाजन का आधार जनसंख्या होती है। जैसे कि विधानसभा के लिए राज्यों को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो वह भी किस पे आधारित रहती? जनसंख्या पे। उसी प्रकार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में देश को बांटा गया है, तो उसका भी आधार क्या रहती है? जनसंख्या। बच्चों, लगभग 10 लाख मतदाताओं में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र बनाया गया है। भारत में कुल लोकसभा सीट 552 है, अभी मैंने आपको बताया, जिसमें से 545 सदस्य कार्यरत हैं, ये भी मैंने आपको बताया अभी वर्तमान की स्थिति। इसमें चुनाव द्वारा 543 तथा राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र है। बच्चों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है और इसके जो सदस्यों का कार्यकाल है, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। एक सदस्य एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, यानी कि लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है, दो निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। एक क्षेत्र का प्रतिनिधि एक ही सदस्य होता है। बच्चों, अब हम जानते हैं राज्यसभा के बारे में। केंद्र में सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हों, इसके लिए एक और सभा का गठन किया जाता है, जिसे राज्यसभा कहते हैं। यानी कि राज्यसभा में क्या किया जाता है, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, उनका चयन करके एक सभा बनाया जाता है, जिसे राज्यसभा कहते हैं। इसे राज्य सरकार की प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। राज्यसभा में बच्चों 250 सदस्य होते हैं अधिकतम, जिसमें से 238 सदस्यों को राज्य सरकार चुन करके भेजती है और 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, नाटक, संगीत और भी क्षेत्रों में क्या होता है, ख्याति प्राप्त होती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी कि उन सदस्यों को राष्ट्रपति चुन करके मनोनीत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से 5 सदस्य मनोनीत हैं अभी वर्तमान में। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। बच्चों, अब हम जानते हैं केंद्र सरकार के अगले सदन कार्यपालिका के बारे में। संसद में जो कानून बनता है, उसे लागू कराने की जवाबदारी सरकार के जिस महत्वपूर्ण अंग की होती है, उसे क्या बोला जाता है? कार्यपालिका बोला जाता है। कार्यपालिका का जो मुखिया होता है बच्चों, वह राष्ट्रपति होता है। मैंने आपको यह शुरुआत में भी बताया था। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन वास्तव में किसी भी कार्य का निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी काम करना हो, तो क्या होता है, राज्यसभा या लोकसभा में मंत्री परिषद उस नियम को या जो भी कार्य है उसको करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह लेने पर जब प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, उस कार्य को देखते हैं कि हाँ ये सही है, इसे हम करा सकते हैं, तो दोनों ही मिलकर के निर्णय लेकर के उसको क्या कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं। और फिर राष्ट्रपति उसमें क्या करता है, अपना हस्ताक्षर करता है। बच्चों, राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, राष्ट्रपति होता है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है और निर्णय कौन लेता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया।
कौन कौन निर्णय लेते हैं बताइए? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया जाता है। बच्चों, यह चित्र आप देख रहे हैं, यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। बच्चों, अब हम जानते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां निम्नलिखित हैं, जैसे कि राज्यों के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। बच्चों, अभी मैंने आपको जो जो नाम पढ़कर के सुनाया बताया, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी कि हमारे देश में जितनी भी सेनाएं हैं सबका सेनापति कौन होता है? सबसे बड़ा सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संधियां और समझौते कर सकता है। यानी कि बच्चों, राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमको किसी देश से क्या करना है, युद्ध करना है, तो उसकी घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। उसके अलावा संधियां, अगर वो संधियां और समझौते भी कर सकता है, अगर वो चाहते हैं कि समझौता किया जाना चाहिए दूसरे देश से, या फिर किसी मामले में संधि की जानी चाहिए, तो वह भी करते हैं। बच्चों, राष्ट्रपति के पास क्षमा दान करने की भी शक्ति होती है, वह क्षमा भी कर सकते हैं। यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो, तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि युद्ध से सुरक्षा के लिए, या फिर हमारे देश को क्या है, खतरा है युद्ध के दौरान, तो वह पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बच्चों, और मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के नेतृत्व में, सॉरी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के द्वारा क्या किया जाता है? नियम कानूनों को बनाया जाता है, लेकिन नाम किसका रहता है? राष्ट्रपति का। तो यह सारी शक्तियों का उपयोग भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से जो राष्ट्रपति है वो करता है। बच्चों, अब हम जानते हैं न्यायपालिका के बारे में। बच्चों, आप लोगों ने पहले जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा है। जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के बारे में? बताइए, पढ़ा है आप लोगों ने? किसी को पता है क्या जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के बारे में? चलिए, अगर आप लोगों को जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के बारे में नहीं पता, या फिर आप भूल गए हैं, तो एक बार फिर से आप इससे संबंधित जानकारी आप एकत्र करिएगा, ठीक है? लेकिन अब हम यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, और इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। बच्चों, आप यह चित्र देख रहे हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय का चित्र है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। बच्चों, उच्चतम न्यायालय के कुछ अधिकार एवं शक्तियां भी होती हैं। इनके तीन क्षेत्र अधिकार होते हैं। पहला है प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मुकदमों की सुनवाई कर सकता है, जैसे कि
ऐसे मुकदमे जो केंद्र व राज्य सरकार के बीच हों। उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमों की सुनवाई करता है या कर सकता है जो किसके किसके बीच हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हो। ऐसे मुकदमे जो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवादित हो, यानी कि अगर कोई दो राज्य आपस में किसी बात को लेकर के क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं या फिर उनमें विवाद चल रहा है, तो वो भी मुकदमे कौन देखता है? उच्चतम न्यायालय देखता है। बच्चों, ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हो, वह भी उच्चतम न्यायालय में होते हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय ऐसे मुकदमों की क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। दूसरा क्षेत्र है बच्चों, अपीली अधिकार क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं, यह जैसे संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुना सकता है। यानी कि बच्चों, जैसे किसी दो व्यक्तियों में आपस में किसी भी मामले को लेकर के मतभेद है, तो वो क्या करते हैं? पहले जिला न्यायालय में जाते हैं, फिर वहां से उच्च न्यायालय में जाते हैं। अगर उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के निर्णय से वो संतुष्ट नहीं होते, तो वो क्या कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में भी मुकदमा दायर कर सकते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के विरुद्ध क्या कर सकता है? निर्णयों के विरुद्ध अपील सुना सकता है। बच्चों, तीसरा है परामर्श क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व या विधि सम्मत तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। बच्चों, परामर्श क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं, वो बहुत से सार्वजनिक महत्व को देखते हुए या किसी भी तथ्यों के बारे में क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श देगा, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि ये सही है, तो वो उस परामर्श को मान भी सकते हैं, और लगे कि नहीं सही है या मुझे नहीं मानना चाहिए, तो वो नहीं भी मान सकते। बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो हमारे देश के सभी व्यक्तियों के जितने भी मूल अधिकार हैं, उनका संरक्षण करता है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन कर सकता है। संसद जो नियम कानून व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए बनाती है, उनका भी वो पुनरावलोकन कर सकता है। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। बच्चों, और जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो अगर संसद द्वारा बनाए कुछ नियम क्या हो, संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, यानी कि संविधान से मिलते ना हो, या संविधान में जो नियम बने हैं उसका पालन ना करते हुए दिखे, तो वह उन कानूनों को क्या कर देता है? अवैध घोषित या अमान्य घोषित कर सकता है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया केंद्र की सरकार के बारे में? किसी को इस अध्याय से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। है क्या किसी भी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी, या फिर कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया हो कहीं पे? नहीं है? बच्चों, आप अपना माइक अनम्यूट करिए और बताइए अगर
इस अध्याय से संबंधित कहीं पे भी आपको कोई परेशानी है या फिर कुछ नहीं समझ में आया तो उसे आप पूछ सकते हैं दोबारा। है क्या ऐसा? समझ में आया सबको अच्छे से? चलिए, तो कुछ अभ्यास के प्रश्न करने से पहले बच्चों, मैं आपको गृह कार्य के प्रश्न दे रही हूं, ठीक है? ये गृह कार्य के प्रश्न आप नोट करिए। प्रश्न एक है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अपने विचार 5 वाक्यों में लिखिए। ठीक है, आप सोचिएगा, अगर आप क्या होते, प्रधानमंत्री होते, तो आप क्या-क्या कार्य करते, कौन-कौन से नियम कानून बनाते, या देश लोगों के हित के लिए कौन-कौन से काम करते। विचार करके 5 वाक्यों में इस प्रश्न का उत्तर आप लिखना। लिख लिए प्रश्न एक। प्रश्न दो लिखना, रामलाल का जमीन संबंधित केस उच्च न्यायालय में चल रहा था। उच्च न्यायालय ने निर्णय रामलाल के विरुद्ध दिया, जिससे रामलाल नाखुश था। अब वह न्याय प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करेगा? बहुत अच्छे से समझना बच्चों इस प्रश्न को, आपको इसका उत्तर ढूंढने में बहुत ही मजा आएगा। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। लिख लिया बच्चों प्रश्न दो आपने। प्रश्न तीन, संसद के कार्यों को लिखिए। लिख लिया प्रश्न तीन आप लोगों ने, संसद के कार्यों को लिखिए। क्या क्या कार्य हो सकते हैं संसद के? प्रश्न अभी मैंने इस अध्याय के अंतर्गत आपको बताया है, बताइए तो। सुना है ना आप लोगों ने, ध्यान से समझा है? बताइए क्या क्या कार्य होते हैं संसद के? प्रश्न अभी संसद के बच्चों मैंने प्रमुख तीन कार्यों को आपको बताया है। हो गया ना गृह कार्य का प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया? क्या बोले बेटा, लिख लिया ना आप लोगों ने प्रश्न को गृह कार्य के? अच्छा, केंद्र सरकार के जो तीन भाग मैंने बताए थे, जिससे केंद्र सरकार मिलकर के बनती है, उनके नाम बताइए। क्या क्या नाम है पता है? क्या क्या नाम बताया मैंने अभी जब अध्याय को शुरू किया तो?
देखिए दिख रहा है आप लोगों को क्या क्या नाम बताया था मैंने, किससे किससे मिलकर के बनती है केंद्र सरकार। इसको पढ़िए देख करके क्या लिखा हुआ है। चलिए आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं ही पढ़ के बता दूं क्या। केंद्र सरकार तीन भागों से या तीन सदनों से मिलकर के बनती है, जिसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, बताइए नहीं तो मैंने क्या बोला, पढ़ेंगे अब आप लोग। चलिए यह हो गया गृह कार्य का प्रश्न आप लोगों का। अच्छा बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में फिर से एक नए अध्याय के साथ।